पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, उसका ये लगभग अंतिम भी होगा, ये जो हो जाए तो हो जाए। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो ये चार्ज का एसोसिएशन और डिसोसिएशन से रिलेटेड, चार्ज का एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को यदि किसी एटम में डालना है या उस एटम से निकालना है, तो एसोसिएशन हो गया, वहाँ से निकालना है उसके किसी खास ऑर्बिट से वह डिसोसिएशन हो गया। तो ये इसी से रिलेटेड है। तो इसका कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस चीज पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके सामने हेडिंग्स हैं और इस हेडिंग्स को हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। ध्यान देना है, यदि जरूरत हो तो पॉज करके आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ले जाना चाहता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में मैं जब लेना चाहता हूँ तो आपको पहले बताया गया है पिछला चैप्टर में, आप देख सकते हैं पोटेंशियल का जो पिछला मेरा वीडियो है, कि कोई चार्ज है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना। तो इन्फिनिटी से यदि लाते हैं चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो वर्क जो करना पड़ता है तो वहां वह पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल आप जब पिछला वीडियो में देखिएगा, वह पोटेंशियल डिपेंड करता है वह सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज मीन्स चार्ज दैट कैन प्रोड्यूस द फील्ड। क्यों कि यदि फील्ड नहीं होगा तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह यदि मूव कर रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। आप जैसे एक इसको एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, फिर ये थोड़ा सा रफ वे में, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ क्यू चार्ज है। क्यू जो है वह सोर्स चार्ज है, जैसा कि मैं पहले ही बताया। तो क्यू सोर्स चार्ज है और क्यू जो सोर्स चार्ज है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि ऐसा एक फील्ड बना। इस फील्ड में इन्फिनिटी से कोई चार्ज क्यू लाया जा रहा है, तो क्यू चार्ज लाया जा रहा है या वन कूलम कोई चार्ज ला रहे हैं, वन कूलम चार्ज कोई ला रहे हैं। तो लाए तो यहाँ तक तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, कहीं कंजर्वेटिव फोर्स है ये, है ना, ये कंजर्वेटिव माना जाता है। तो यहाँ से आया, अब यहाँ जैसे इन किया तब यहाँ से स्टार्ट हुआ वर्क, और वर्क जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ देखिए, अब यहाँ सपोज कि यहाँ से यहाँ ये पॉइंट, ये यदि ये R है तो इसका लोकेशन देखिए, लोकेशन हम जो ले रहे हैं वह लोकेशन कहाँ से लेंगे, तो ये जो हमारा जो चार्ज जो दिया हमको, जिसके कारण इस पर प्रभाव पड़ रहा है, ये प्लस वन को यहाँ तक लाने में, है ना, ये प्लस वन चार्ज कूलम को यहाँ तक लाने में। अब देखिए यहाँ से R है, तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या V यदि लिखते हैं तो V इक्वल्स क्या हो गया, W अपॉन वन, ठीक है। ये क्या हुआ, वर्क डन। इसको हम लोग लिखेंगे इस मैथमेटिक्स को, तो इस मैथमेटिक्स को ऐसे होगा, वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यहाँ कोई पॉइंट दे दिए, ए पॉइंट दे दिए, टू ए विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसमें आ गया। तो ये सिर्फ फील्ड है, तब जब ये सिर्फ यूनिट चार्ज होगा तो V इक्वल्स W, यदि यूनिट चार्ज होगा तब, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा इसको हम समझना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या चार्ज ले आए, सपोज कीजिए कि यहाँ वन के बदले हम कोई चार्ज लिए, वह चार्ज हो गया Q,
वह चार्ज जो लिए वह क्यू हो गया, क्यू चार्ज। वन कूलम चार्ज के बदले यदि हम क्यू कूलम चार्ज लेते हैं, तो क्यू कूलम चार्ज लेते हैं तो क्या होगा यहाँ, तो देखिए वी इक्वल्स डब्ल्यू बाय चार्ज था, वर्क डन बाय चार्ज था, चार्ज वन कूलम था, यहाँ पर हम लोग क्यू कूलम डाल दिए, क्यू कूलम डाल दिए। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, क्यू भी हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू यहाँ हो गया क्यू भी। यहाँ देखिए कुछ नहीं किया, क्यू जैसे आया तो क्यू भी ये वर्क डन हो गया। तो ये वर्क डन जो हो गया, अब इसको यदि देखिएगा तो दिस वर्क डन इक्वल टू क्यू भी, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया, ये सिंगल चार्ज के लिए हुआ। यहाँ पर क्यू चार्ज के लिए हम लोगों ने देख लिया कि यह ऐसा हुआ। यदि एक से ज़्यादा चार्ज होगा, एक से ज़्यादा चार्ज होगा तब क्या होगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं, और वही विचार जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ लिखा गया, ठीक है। जैसे कोई एटम में, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना एनर्जी हमको लगेगा उसको निकालने में, कितना उस एनर्जी को लगेगा डालने में, उस सारे चीज़ के बारे में इसको जनरलाइज कर रहे हैं। ये जैसे दो हो गया, अभी तक हम लोगों ने दो लिया, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये जो चार्ज लिया गया यहाँ पर, एक क्यू चार्ज लिए, क्यू चार्ज लिए, कोई यहाँ यहाँ आया और कोई यहाँ ले गया, यहाँ पर सपोज कीजिए क्यू वन चार्ज लिया, यहाँ पर सपोज कीजिए क्यू टू चार्ज लिए, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा कुछ होगा, सपोज कीजिए ये भी आर पर है और ये भी आर पर, दोनों आर डिस्टेंस पर, और ये जो है ये भी आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस सब ले लिया। अब यहाँ पर हम यदि सबसे पहले बात करना चाहेंगे तो देखिए ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से ये आया क्यू वन, और उसके बाद इसका जो प्रभाव क्षेत्र है इस क्यू का है ना, यहाँ से शुरू होता है तो सपोज कि आर डिस्टेंस पर, तो अब ये क्या होगा, वन बाय वन इसको समझना। तो फर्स्ट इसको यदि हम कहें वन है तो इसको वी वन कहें, तो ये वी वन इक्वल्स क्या होगा, ये वी वन इक्वल्स आप देखिए, ये वी वन इक्वल्स हो जाएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, या ऐसे पहले लें फिर उसको और एलाबोरेट करेंगे। वी वन, वी वन यदि हम यहाँ पर कहेंगे तो दिस वी वन इक्वल्स हो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल लेते हैं उसके आधार पर यहाँ पर यदि हम कहेंगे तो सिर्फ चार्ज को यहाँ पर ऐड किया गया, हाँ, तो ये जैसे ही हम यहाँ पर लेंगे तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यूनिट यहाँ पर यदि वन चार्ज होता जैसा अभी हम यहाँ बताए थे, सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज होता तो यह होता क्यू बाई आर, सिंगल चार्ज, यदि यूनिट कूलम चार्ज होता तो यहाँ पर हो जाता क्यू बाई आर, ठीक है। इससे पहले जो हम लिए थे, यदि यूनिट कूलम चार्ज होता तो यह हो जाता क्यू बाई आर, ठीक, लेकिन यूनिट कूलम नहीं होकर के यहाँ क्यू वन है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट कूलम नहीं होकर के यहाँ क्यू वन है, इसलिए यह होगा क्यू वन। तो वी वन इक्वल्स हो गया वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू वन अपॉन आर, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। यूनिट कूलम चार्ज यदि था तो वी इक्वल्स डब्ल्यू था, और यहाँ वी वन हम जानते हैं कि वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस हुआ, और क्यू बाय आर, और ये क्यू वन हो गया, तो ये हो गया इसके कारण। अब दूसरा, दूसरा देखिए इसके कारण वी टू, वी टू यदि करेंगे तो ये सिमिलरली ये वी टू अब क्या हो गया, क्यू क्यू टू बाई आर, ये हो गया वी टू। अब इस दोनों के बीच जो है
उसको हम लोग लिखेंगे क्या, V12 लिखेंगे तब यहाँ क्या होगा, 1/4π ε0। अब कोई एक का प्रभाव में दूसरा है, वह कोई किसी के प्रभाव में कोई हो सकता है जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे वो प्रभाव में आएगा, तो आप मान लीजिए इसको लाते हैं इन्फिनिटी से यहाँ लाए, या ये जो है इन्फिनिटी से ये भी आ रहा है तो इन्फिनिटी से इसको लाए, तो सिमिलरली वही होगा Q1 Q2 / R। ठीक है, अब यदि यहाँ पर नेट टोटल फील्ड के टोटल पोटेंशियल के बारे में यदि बात करें, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स होगा 1/4π ε0 Q1 / R प्लस Q2 / R प्लस Q1 Q2 / R। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वह यहाँ पर तैयार हुआ। यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा एक चीज़ रिकॉल करूँ, यहाँ देखिए V इक्वल्स W यूनिट चार्ज के कारण, और V इक्वल W, W क्या होता है, W एनर्जी होता है ना, जो वर्क किया जाएगा वह वर्क क्या होगा, एनर्जी के रूप में होगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर यहाँ होगा, क्योंकि पोटेंशियल दैट इज पोजिशन, या पोजिशन की बात करते हैं यहाँ पर, आप इसको डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबल और डिसोसिएट द चार्जेज एट देयर लोकेशंस फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इन्फिनिटी से आया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से आया, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं ये एक दूसरे के प्रभाव में है, तो ये इतना आया, इसलिए नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यह तैयार हुआ ही आपका। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिंगल का था तो क्या हो, वह अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था। अब चूँकि यहाँ पर हम लोग एसोसिएशन की बात करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि एक चार्ज नहीं होगा, वहाँ ढेर सारे चार्जेज होंगे, तो मल्टीपल ऑफ चार्जेज यहाँ पर होंगे, तो मल्टीपल ऑफ चार्जेज के कारण यहाँ है अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबल और डिसोसिएट द चार्जेज। हाँ देखिए, एट देयर लोकेशंस, हमने यहाँ आर आर लिया है ना, ये आर क्या बताता है, लोकेशन को बता रहा है, कहाँ से आ रहा है इसे कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी से आ रहा है, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक से अधिक चार्ज हो गया है, इसलिए यहाँ पर सीधा हम बात करेंगे अब एट देयर लोकेशंस, चाहे Q1 R डिस्टेंस पर हो, Q2 R डिस्टेंस पर हो, एट देयर लोकेशंस फ्रॉम इन्फिनिटी यहाँ लिए, वो आएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से आएगा। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ, और दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी, हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यदि यहाँ चाहते हैं और हेडिंग बनाने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, एन यहाँ पर हम दे सकते हैं, है ना, जैसे देखिए Q1 है, Q1 Q2 है, फिर और कोई होता तो उसका इफेक्ट बढ़ते जाता, तो ये हो गया आपका। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ बताते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर देखिए, इस पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आया है 1/4π ε0 Q Q1 / R प्लस Q Q2 / R प्लस Q1 Q2 / R। इस पर एक सवाल हम लोगों ने लिया, वह सवाल है कि थ्री चार्जेज माइनस क्यू, कैपिटल क्यू, माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो ड्यू टू थ्री चार्जेज, फाइंड द रेशियो Q/Q। इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ एक लिए, यहाँ आप देखिए यहाँ माइनस क्यू ले लिए, फिर क्यू ले लिए, और यहाँ पर फिर माइनस क्यू ले लिया,
तीनों चार्ज है, तीनों के बारे में कहा जाता है कि डिस्टेंस भी जो है वह इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है और स्ट्रेट लाइन पर है, दोनों बातें डिस्टेंस इक्वल है और स्ट्रेट लाइन पर। अब इस तीनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्जेज, क्या हो गया, यहाँ देखिए 1/4 pi epsilon naught ये कॉमन होगा, यहाँ देखिए ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के बीच, यहाँ देखिए दोनों में माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस, इस दोनों के कारण कैपिटल क्यू माइनस क्यू आर हो गया। फिर अब इतना होने के बाद 1, 2, 3 हो गया। अब इस दोनों में भी होगा, इस दोनों में देखिए ये क्या होगा, तो प्लस माइनस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बदल जाएगा, ये गोआ 2R। अब इसको देखते हैं, ये हमको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये तीनों मिला करके जो होता है दैट इज जीरो, तो जीरो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ जीरो लिखते हैं, इतना इक्वल्स जीरो, ये गिवन है पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहाँ कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन हो जाए तो क्यू माइनस क्यू इसमें आ गया माइनस क्यू 4 pi epsilon naught आ गया, आर भी आ गया, कितनी बातें कॉमन आ गए। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ आपको मिलेगा R तो हम लोगों ने कॉमन ले ही लिया। अब यहाँ क्या हो गया, ये टू क्यू बच गया, और यहाँ माइनस क्यू हो गया, प्लस माइनस 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 क्यू बाय आर यदि आ गया तो यहाँ 2 आ गया। ठीक, इतना होने के बाद अब देखिए ये तो जीरो होगा नहीं, ये पार्ट जीरो नहीं होगा, तो होना जीरो किसको है, इसको। अब इसको लेते हैं, दैट इज 2q - q/t इक्वल्स जीरो, दैट इंप्लाइज 2q इक्वल्स q/2, दैट इंप्लाइज q/q, यही मान रहा हूँ, q/q = 1/4, q/q = 1:4, देखिए ये रिजल्ट हमको हो गया। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन गया। कॉन्सेप्ट हमको लेना है कि इस q से जितने तीनों q इंटरेक्ट करेगा, तो पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तीनों को हम लोग इंटरेक्ट करा देंगे, जो रिजल्ट होगा उसको लिख देंगे, अपने कैलकुलेशन से वह रिजल्ट दे देगा। ओके, अब दूसरा न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूँ, 2 positive point charges of 0.2 microcoulomb एंड 0.01 microcoulomb आर प्लेस 10 cm अपार्ट। देखिए ये दो चार्जेज हैं और वह क्या है, 10 cm अपार्ट है। यहाँ देखिए मैं फिगर बनाता हूँ, ये 0.2 माइक्रोकूलम है, ये 0.01 माइक्रोकूलम है, जिस दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 cm है। अब देखिए ये 0.2 माइक्रोकूलम और ये इसको रिड्यूस करके 0.1 माइक्रोकूलम ले आया, 5 cm। यही कहा था, कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस
0.5 cm पर रिड्यूस किया गया तो कितना वर्क डन होगा, ये आपको CBSE में पूछा गया है ना, किस साल पूछा गया है, तो ये CBSE का, ठीक है, कंपार्टमेंट का सवाल है। अब हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन ले लें, गिवन में Q1 हो गया आपको 0.2 माइक्रो है तो 0.6 हो गया इतना कूलम, Q2 है तो 0.01 × 10⁻⁶ कूलम हो गया, R इनिशियल 10 cm, R फाइनल 5 cm, इसको यदि ये कीजिएगा तो 10⁻², तो ये cm हट गया, ये अब हो गया मीटर, ठीक। अब वर्क डन करना है तो वर्क डन जो करेंगे तो पहले इनिशियल वर्क डन हम लोग करें, इनिशियल वर्क डन आपका हो गया 1/4πε₀ Q1 Q2 0.2 × 10⁻⁶ × 0.01 × 10⁻⁶ और डिस्टेंस हमारा हो गया ये 0.1 मीटर। फाइनल वर्क डन, फाइनल वर्क डन 1/4πε₀ यही 0.2 × 10⁻⁶ × 0.01 × 10⁻⁶ अपॉन ये 5 × 10⁻², तो यदि यहाँ लें तो 0.5 कर सकते हैं, इतना मीटर हो गया, इतना हो गया। अब आप इसको करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर देना है ना, तो कैलकुलेट कर देना है तो वर्क डन, इनिशियल वर्क डन में से फाइनल वर्क डन ये जो है इसको करना है। तो अब देखिए नेट वर्क डन इक्वल्स फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन अब कैलकुलेट कीजिए, फाइनल वर्क डन आपका 1/4πε₀ दोनों में ये ले लीजिए, उसके बाद ये सब के सब दोनों में है कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε₀ है यहाँ कॉमन ले लेते हैं, फिर लिखेंगे, इतना कॉमन लेने के बाद फिर इसको देखिए तो 2 ये कितना हो गया, इसको यदि कीजिएगा तो 3 आपको बनेगा 0.002 × 10⁻⁶ ये हो गया, ये कॉमन हो गया आपका। अब ये हो गया 1/0.05 − 1/0.1 ये आपके पास है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट होगा 1.8 × 10⁴ − 4 जूल 1.8 × 10⁻⁴ जूल ये आपको रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर ये CBSE 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, क्या कहता है, कैलकुलेट द वर्क डन
टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन इन फिगर क्यू इज गिवन 1.6 इन 10 पर माइनस 10 कूलम एंड दिस इज योर ट्रायंगल एंड यू कैन कॉल दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल हियर इज चार्ज क्यू हियर माइनस 4q एंड हियर प्लस 4q सो लेट अस से द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू कैन कॉल यू आई इक्वल्स व्हाट यू आई इक्वल्स सिमिलरली 1/4πε0 क्यू अपॉन सपोज क्यू इंटू 4q माइनस 4q अपॉन आर प्लस क्यू इंटू प्लस 4q अपॉन आर अगेन प्लस 4q माइनस 4q अपॉन आर दिस इज योर रिजल्ट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन क्यू माइनस 4q पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन क्यू प्लस 4q पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन माइनस 4q प्लस 4q देन इट विल बी 1/4πε0 इट इज व्हाट दिस इज योर क्यू 4q मीन्स 4q² कैन बी 4q² कैन बी योर कॉमन देन यू हैव व्हाट माइनस 4r प्लस 4r प्लस 4q² माइनस 1r प्लस 1r यहाँ देखिए तो 4q² कॉमन हो गया 4q² / 4πε0 यहाँ पर आपको बच रहा है माइनस 1r यहाँ होगा प्लस 1r और यहाँ आपका जो 4q² बाहर आया तो माइनस 4r आया 4π/4r आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट जब करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आया। कैंसिल होने के बाद अब बचा आपको ये माइनस 4r 4r जो आया है इसको यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस 16q² / r ये 1/4πε0 ये हो गया। इसके बाद हम लोग सीधा कैलकुलेशन में आए तो ये कैलकुलेशन में आपको आया 9 × 10⁻⁹। देखिए इसका वैल्यू दिए इस ये जो है आपका दिस मच इक्वल टू 9 × 10⁹ 16 × 1.6। देखिए इसका वैल्यू q का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है तो ये 1.6 का स्क्वायर हो गया फिर 10⁻²० का स्क्वायर हुआ ये रिजल्ट आया और इतना अपॉन हो गया r। r का वैल्यू आपको 10 cm है 10 cm दैट इज 0.1 मीटर हो जाएगा तो 0.1 मीटर दे दिए। और इसको जब कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने पर आपका रिजल्ट आया 3.68 × 10⁻⁸ जूल ये रिजल्ट रहा आपको। ठीक है तो
ये रिजल्ट है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका निगेटिव रिजल्ट है। अब ये हम क्या लाएँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लाएँ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लाते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर हम लिखते हैं तो रिजल्टेड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यहाँ यू एफ इक्वल्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये डिसोसिएट कर गया, इन्फिनिटी चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया तो फिर जो है वह जीरो होगा। इसलिए नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई दैट इज यू एफ आपका जीरो है माइनस यहाँ पर देखिए 3.68 इंटू 10^-8 जूल हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया दैट इज योर 3.68 इंटू 10^-8 जूल। ये आपका रिजल्ट आया दैट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी का।